तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है इसरो की तरफ से। सेमी क्रायोजेनिक इंजन अपना जो SCE200 है उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस वीडियो के चार पार्ट्स होंगे, SCE200 का बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग, करंट टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, इसका इमीडिएट फ्यूचर और लास्टली एक मून एस्ट्रोनॉट मिशन जो इसरो प्लान कर रहा था जो इस इंजन से पॉसिबल होता। चलिए जानते हैं। तो SCE200 मतलब इसका फुल फॉर्म हुआ सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200। सेमी क्रायोजेनिक इसलिए क्योंकि हर रॉकेट इंजन के दो चीजें होती है बड़े रॉकेट इंजन के, वो है एक फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर। फ्यूल आपका जलता है ऑक्सीजन की वजह से, इसके इसमें फ्यूल है रॉकेट ग्रेड केरोसिन जिसे इसरो रिफर करता है ISRO SEM, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजर है लिक्विड ऑक्सीजन जो बहुत ठंडे टेम्परेचर पे स्टोर्ड है -180 के आसपास। इसलिए ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है क्योंकि केरोसिन नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर होता है पर आपका जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो बहुत ठंडा होगा। 200 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है थ्रस्ट की वैल्यू, वह 200 टन्स या 2000 किलो न्यूटन, ऑलमोस्ट 2000 किलो न्यूटन। 2000 किलो न्यूटन बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर आपको समझाने के लिए मैं विकास के एग्जांपल लूँ तो विकास करीब 600 से 800 किलो न्यूटन आता है। तो मतलब डिपेंडिंग आपके कॉन्फिग के ऊपर तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 times का थ्रस्ट है एक इंजन में अगर आप 2-2.5 विकास लो तो। इवन आप SpaceX से कंपेयर करो तो उनका जो मर्लिन है जो सिमिलर फ्यूल पे चलता है वो 850 किलो न्यूटन प्रोड्यूस करता है, अगेन डबल से भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है SCE200। इवन उनका रैप्टर अगर आप लो तो 1800 किलो न्यूटन प्रोड्यूस करता है। रैप्टर का ऑफकोर्स एडवांटेज ये है कि वो ज्यादा एफिशिएंट है उसके फ्यूल के वजह से जो मेथलॉक्स है और उसके साइकिल के वजह से भी फुल फ्लो स्टेज कंबशन। इससे भी ज्यादा पावरफुल इंजन हुए जैसे B4 हुआ जो 2400 किलो न्यूटन प्रोड्यूस करता है, नासा का जो RS-25 है वो 2300 किलो न्यूटन प्रोड्यूस करता है। तो हाँ मतलब ये अपना इंजन जो है वो बड़े बड़े लीक्स के साथ है। अब मुझे बताया आप लोग याद करोगे मेरे को कि कैसे ये अपना इंजन नहीं है, हमने स्क्रैच से डेवलप नहीं किया, ये यूक्रेनियन सोवियत RD-810 इंजन का डिराइव वर्जन है। हाँ है तो क्या लोगों को लगता है कॉपी करना मतलब जस्ट मतलब ब्लूप्रिंट्स लो और एग्जैक्टली बनाओ, ऐसा नहीं होता ब्रो। बहुत हर चीज इसरो को खुद से इंडिया में बनानी पड़ी, फिर चाहे वो मटेरियल्स हो, मेटलर्जी हो, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो। ऊपर से याद रखो यूक्रेन का RD-810 कभी उड़ा ही नहीं फ्लाइट में, तो हमारे वजह से उसको मतलब न्यू लाइफ मिलने वाली है और शायद उसके वजह से नए प्रॉब्लम्स आए जो पता भी नहीं, जो यूक्रेन वालों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। लोगों को लगता है कॉपी मतलब जस्ट कॉपी, वैसा नहीं होता ब्रो, इंजीनियरिंग में वैसा नहीं होता है, आप जस्ट कॉपी नहीं कर सकते। एनीवेज उस पे मतलब क्या ही डिस्कस करूं मैं अभी। आज के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। आज का टेस्ट एक प्रिलिमिनरी कोल्ड फ्लो टेस्ट था, यानी इस टेस्ट के लिए जो इंजन है उसमें थ्रस्ट चेंबर नहीं था, नोजल नहीं है, आप देख सकते हो इसके ऊपर। ये टेस्ट से इस इंजन का स्टार्ट होने से पहले के सब कंडीशन अचीव किए गए, जस्ट स्टार्ट होने से पहले। देखो जैसे मैंने कहा इसमें लिक्विड ऑक्सीजन यूज हो रहा है, मतलब वो बहुत ठंडा है -180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो आपका जो मेटल है आप सडनली इतना कोल्ड नहीं कर सकते, आप सडनली इतना कोल्ड ड्रॉप करोगे लिक्विड उसके ऊपर तो शायद वो स्ट्रेच हो या एक्सपांड हो या वो कॉन्ट्रैक्ट हो यानी कंप्रेस हो, वो शायद क्रैक कर ले या डेंट हो, ये मतलब रिस्की आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हर क्रायोजेनिक इंजन या सेमी क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट होने से पहले एक चिल डाउन मैनूवर करना पड़ता है जिसमें वो सब जो फीड लाइन ठंडा चीज एक्सपीरियंस करेंगे उसे आपको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर लाना है, थोड़ा लिक्विड ऑक्सीजन भेज के उसमें। तो इस केस में यही हुआ, एक चिल डाउन टेस्ट हुआ इनके PHTA यानी पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का। ये जो बिना नोजल का जो थ्रस्ट चेंबर का जो आर्टिकल का नाम है वो पावर हेड टेस्ट आर्टिकल है। ऊपर से SCE200 वो एक स्टेज्ड कंबशन इंजन है। ये स्टेज कंबशन अगर आपको जानना है ये साइकिल एग्जैक्टली क्या है क्लोज साइकिल, तो आप मैं रिकमेंड करूंगा आप एवरीडे एस्ट्रोनॉट का वीडियो देखो इंजन साइकिल्स के बारे में। तो उन्होंने हाँ इस केस में पूरा चिल डाउन मनूवर किया प्लस केरोसिन जो लाइन से उसको भी भरे और लिक्विड ऑक्सीजन को कंबशन ये अपना जो गैस जनरेटर है उस तक लेके गए। तो ये बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस इंजन के डेवलपमेंट में, काफी एक्साइटिंग ईयर है। अभी नेक्स्ट टेस्ट ऑफकोर्स होगा पूरा थ्रस्ट चेंबर डाल के और फायर करके, बट सुनाई दे रहा है कि नोजल्स में उनको इंजीनियरिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो देखते हैं होपफुली वो जल्दी सॉर्ट आउट होंगे। अभी इसका इमीडिएट फ्यूचर क्या, इंटरनेट पे काफी आर्टिकल्स आएंगे, ULV जैसे टर्म्स इस्तेमाल होंगे जो डेड टर्म्स है, बहुत साल हो गए ULV ऑफिशियली यूज भी नहीं हुआ टर्म, HLV होगा, NGLV होगा या और कोई XXLV जो भी है, बट एज ऑफ नाउ एक फिक्स प्लान है जो फंडेड है जो डेफिनेटली होगा और वो है GSLV Mark III का कोर अपग्रेड। तो करंटली GSLV Mark III का कोर दो विकास इंजन है राइट, ये L110 है यानी लिक्विड स्टेज विद 110 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट, इसको इसरो रिप्लेस करेगा SC120 से यानी सेमी क्रायो स्टेज विद 120 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट, और दो विकास को रिप्लेस किया जाएगा एक SC200 से ज्यादा थ्रस्ट होगा। इसरो एस्टिमेट कर रही है कि इसका 4 टन्स टू जो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है उससे हो जाएगा 5 to 5.5 tons। ये स्टेज जो है वो ऑलरेडी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सप्लाई कर चुका है टेस्टिंग के लिए, तो इसका काम फुल स्विंग में चल रहा है। उसी बहाने पे स्टेज के बारे टेस्टिंग स्टैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो स्टैंड्स है IPRC महिंद्रगिरी यहाँ पे है, दो टेस्ट स्टैंड्स है आप देख सकते हो, एक छोटा है एक लंबा है। एक छोटा इसलिए
क्योंकि उस पे इंजिन अकेले टेस्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मोक आ रहा है, वो लिक्विड ऑक्सीजन है इस टेस्ट के का टाइम। और दूसरा फुल स्टेज का टेस्ट होगा इंटीग्रेटेड, तो पूरा स्टेज का स्टेज इसके ऊपर लगाया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। फ्यूचर एक फार फ्यूचर ऑफकोर्स एक कोई NGLV डिराइव व्हीकल है, पर जब तक ये सक्सेसफुल उड़ेगा नहीं तब तक नेक्स्ट रॉकेट का कॉन्फिग्रेशन शायद फ्रीज ना हो, तो वो इवॉल्व होते रहेगा। ULV से HLV हो गया, HLV से NGLV हो गया, ये चलता रहेगा सिलसिला। पर एक चीज कंसिस्टेंट है इस सब कॉन्सेप्ट में, वो है एक क्लस्टर्ड 4 SC200, यानी 4 SC200 क्लस्टर किए जाएंगे। ये एक चीज कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं। अभी आते हैं मून मिशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। दिस विल पेव वे फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ स्टडी, दैट्स द फेज 2 व्हिच विल एनविसेज एन ISRO ह्यूमन मिशन टू मून। स्टडीज इन दिस रिगार्ड आर एट प्रीलिमिनरी स्टेज एट दिस मोमेंट। ये 2009 की बात है, ISC 2009, जहाँ पे इसरो ने ये शोकेस किया कॉन्सेप्ट। वो जमाना तब है जब GSLV मार्क 2 पे गगनयान की प्लानिंग होती थी। उन्होंने यहाँ पे दिखा एक व्हीकल जो SC 800 डिराइव्ड है, जिसमें वो जो मून मॉड्यूल है और अपना क्रू मॉड्यूल प्लस सर्विस मॉड्यूल सेपरेटली फ्लाई करेंगे, डॉक करेंगे और फ्लाई करेंगे चांद तक। तो आप देख सकते हो 2009 इसरो से आपको एक समझ में आता है कि इसरो वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंजन जल्दी रेडी होगा, पर हुआ नहीं, काफी प्रॉब्लम्स है उन्हें। मैंने वही कहा कि कभी कभी जब आप ड्राइव करने जाओ, किसी चीज को कॉपी करने जाओ, आपको फ्रेश बनाने से ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, और आई थिंक SC200 एक अच्छा एग्जांपल है उस सिचुएशन के बारे में। बट एनीवेज अभी मोमेंटम बिल्ड हो रहा है इंजन के लिए, तो होपफुली जल्दी उड़ेगा इंजन। तो हाँ, क्या सबसे बड़ी जय हिंद जय भारत।